वेलकम बैक गाइज हमारे माइनक्राफ्ट के एक नए एपिसोड में। तो आपको पता होगा लास्ट एपिसोड में हमने एक न्यू सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट किया था और ये वही है। और अभी हम क्या करने वाले देख सकते हो, मैंने ना पूरा का पूरा आयरन का ना टूल और आर्मर का चैलेंज था कंप्लीट कर दिया। तो आज के इस वीडियो में ना हमको एक विलेज फाइंड करना है और कुछ अलग अलग चीज़ें भी फाइंड करना है, क्योंकि देख सकते हो ये वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। और मैं ये है ना डायरेक्शन में थोड़ा सा एक्सप्लोर करने गया था बट कुछ मिला नहीं, इसलिए ना अभी मेरा मेन काम है कि यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे हैं ना, तो उन सब की सैपलिंग कलेक्ट करना है, जो कि ना मैं ये जगह को छोड़ने वाला हूँ तो बाद में उगाने के काम आएंगे। और अगर मैं ये जगह को छोड़ दिया तो बार बार आने वाला हूँ नहीं, मुझे पता है इतना। तो इसलिए ना मैं यहाँ से बहुत सारे सैपलिंग लेके जाऊँगा। और ये वाला सैपलिंग मैं लूँ या ना लूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे दूसरा वाला सैपलिंग बहुत ज़रूरी है तो मैं उसी को पहले लूँगा। जैसे कि ये देख सकते हो ये डार्क ओक वाला बहुत रेयर होता है, मिलना भी मुश्किल होता है। हाँ यहाँ पे स्प्रूस के भी है, मैं अभी अभी याद है मेरे को, खाली एक जंगल के बचेंगे। तो चलो इतना तो हो गया, अभी नाइट भी हो रहा है ना तो मैं फटाफट सोने चलता हूँ। मैं ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला यहाँ पे, मैं फटाफट से ना यहाँ पे अपना काम निपटा के विलेज ढूंढने चलूँगा। पता नहीं कितना टाइम लगेगा मिलने में, तो चल ले भाई, यहाँ पे चलना भी मुश्किल हो रहा है। तो फाइनली मैं पहुँच गया, तो अभी मैं चल के सोता हूँ सीधे, और कुछ है नहीं यहाँ पे। एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि यहाँ से ना मुझे सैपलिंग तो ले ही लेने हैं, और सैपलिंग के बाद कुछ और चीज़ें भी लेने हैं। जैसे कि देख सकते हो मैं आपको बताऊँ, जितना भी सामान है ना मुझे वो कलेक्ट करना है, और उसके बाद मुझे स्प्रूस के लेना है। स्प्रूस के भी मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। यहाँ से मैं हो बना लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है हो से क्या होगा, हो से ना मैं सारे के सारे लीफ को तोड़ूंगा। तो यहाँ से अरे यार मैं कहाँ गिर रहा हूँ यार, क्या हो रहा है मेरे साथ। चलो कोई नहीं, अभी यहाँ से है ना जंप करके चलते हैं। और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कर देना। और यहाँ पे छोटू ज़ॉम्बी, अरे यार भाई एक मिनट यार छोटू ज़ॉम्बी, अरे यार ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है यार स्पीड में, ये फ्लैश है क्या, इसको मेरे को मारना भाई। बार बार बच गया, बड़ा वाला भी पीछे से आ रहा है, तो पहले खाना खाओ, इसको तो निपटा देंगे। ये स्पीड नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा स्पीड में आता है। तो इसको मैंने है ना यहाँ पे निकल ले भाई, कितना टाइम लगे निकल यहाँ से। तो भाई ये है ना आर्मर वार्मर पहन के आ रहे हैं ना, इसीलिए ना इनको मारना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चलो इनको भी मैंने फाइनली निपटा दिया, अभी है ना मैं यहाँ से इसको कलेक्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। तो फटाफट से ना मैं इस सबको निकाल लेता हूँ। ओके तो मैंने ना सारे के सारे डार्क ओक को तो कलेक्ट कर लिए, अभी बारी है हमारा इसको कलेक्ट करने की। तो है ना मैं यहाँ से इन सबको कलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना इन सबको कलेक्ट तो कर ही लिया, और खाली है ना अब मुझे इन सब के ना वो पत्ते वत्ते भी कलेक्ट करना है सैपलिंग के लिए, तो उसको भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके तो मैंने ना यहाँ पे बहुत कुछ कलेक्ट कर लिया, मैंने थोड़े से स्नो बॉल भी कर लिए। मैंने सोचा कि आगे है ना मुझे अगर स्नोमैन बनाना पड़ेगा तो बार बार मैं यहाँ पे आने वाला हूँ नहीं। और इसमें बहुत एक सही चीज़ आ गई, इसमें ना हम डबल क्लिक में पूरा बना सकते हैं, जावा की तरह इसमें थोड़े थोड़े फीचर आए जो कि मुझे काफ़ी सही लग रहा है। अभी है ना हमारा माइनक्राफ्ट है ना पॉकेट एडिशन एकदम बदल चुका है, मतलब पहले जैसा नहीं रहा, अभी इसमें बहुत तगड़े तगड़े फीचर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं सो लेता हूँ यहाँ पे, अभी है ना यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है देख सकते हो। मैं ना जाने से पहले एक चीज़ और करना है मेरे को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला। तो सबसे पहले ना यहाँ पे जो ये पड़े, एक मिनट मैं आपको दिखा दूँ, मैंने स्नो कलेक्ट किया, डार्क लॉक कलेक्ट किया, उसके सैपलिंग वैपलिंग और कुछ छोटे मोटे चीज़ें कलेक्ट किए। बट अभी है ना मेरे को एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कलेक्ट करना है, जो कि आप भी सोचोगे कि हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता ही होगा यहाँ पे ना एक चीज़ होता है जो कि सिर्फ यहीं पर मिलता है। तो पहले मैं पानी को हटाऊँ और यहाँ से ना मैं इसको कलेक्ट कर लेता, देख सकते हो साइड में ही पड़े हैं। तो यहाँ से बकेट लेके चलते हैं। तो मुझे ना पाउडर स्नो चाहिए था यहाँ से, क्योंकि वो खाली ये स्नोई वाले बायो में मिलते हैं। और इसका पता नहीं कुछ काम है यानी मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, बट काम तो है इतना तो मुझे पता है, क्या काम है उसका कोई आइडिया नहीं है। तो अभी है ना इन सबको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, अभी यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है, इन सबको उठा लेता हूँ। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें उठाने वाला, क्योंकि इन्वेंट्री भी लिमिटेड है मेरे पास, और किससे तोड़ रहा हूँ मैं मेरे को। तो यहाँ से मैं इन सबको तोड़ चुका हूँ। तो फाइनली अरे यार क्या हो गया, एक मिनट सब कुछ मेरे को है ना हटाने पड़ेंगे जो बेकार चीज़ है। तो यहाँ से ना इन सबको हटाता हूँ, और फिलहाल तो ठीक ही है, बेड भी ले लिया, बेड बहुत इंपॉर्टेंट है, बेड के बिना तो कुछ भी नहीं चलता। तो अभी है ना यहाँ से निकलता हूँ मैं। तो एक मिनट मैं कुछ भूल तो नहीं, कुछ नहीं भूला। तो फाइनली इसको बाय बाय बोल देता हूँ जगह को, बाय यार अभी मैं यहाँ पे दोबारा आने वाला हूँ नहीं। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, एक काम करते हैं, एक पेड़ काट के ही चलता हूँ, आखिरी होने वाला है मेरा यहाँ का पेड़। तो इसको काट ही लेता यार, छोड़ने का कोई मतलब आइडिया नहीं है मेरे पास। तो इसको है ना मैं यहाँ पे लास्ट अभी निकलते हैं यहाँ से। और अरे भाई एक मिनट मैं यहाँ पे, ये क्या है यार यहाँ पे इतना सारा आयरन छोड़ के, ये तो पॉसिबल नहीं है यार, मैं तो आयरन छोड़ के नहीं जा सकता। तो इन सर पहले मैं टॉर्च लगाता हूँ और मैं ये आयरन कलेक्ट करता हूँ। और यार ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया, इसको मैं निपटाता हूँ, निकल यहाँ से, तो प्रो से लड़ाई कर रहा है, तू जीत नहीं सकता। तो यहाँ पे मैंने इसको फाइनली निकाल दिया, और कुछ दिया नहीं इसने मेरे को, कंजूस था, मैं ज़्यादा आगे जाऊँगा नहीं।
क्योंकि मेरा यहाँ पे काम हो चुका है, खाली ये आयरन को लो और निकलता हूँ यहाँ से। तो इन सारे आयरन को कलेक्ट करता हूँ। मेरे को आइडिया ही नहीं था कि इतने सारे आयरन है, मैं कैसे छोड़ सकता इतने आयरन को, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सारे के सारे आयरन को मैं यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो आयरन तो कलेक्ट कर लिया, अभी इस साइड के भी थोड़े से, ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत है, तो कलेक्ट कर लेते, काम आएंगे मेरे को, मेरे ही लिए मतलब फ़ायदेमंद होने वाला है। तो वो तो मैंने काम कर लिया, अभी यहाँ से निकलते हैं। और मुझे कोई आइडिया नहीं कि मुझे कितना दूर जाना पड़ेगा विलेज के लिए, और यहाँ से ना पहाड़ के उस पार जाना है मेरे को, क्योंकि इस पार तो देख सकते हो आपको है ना, यहाँ पर डार्क ओक का पूरा बायोम मिलेगा और टाइगर बायोम का है ना बड़ा वाला मतलब माउंटेन वाला मिलेगा, तो वहाँ पर विलेज होता नहीं है, ये तो ऑब्वियस ही बात है। अरे कहाँ फंस गया, तो यहाँ से निकलते हैं। तो इसलिए मैं सोचा पहाड़ के पीछे जाऊँ जहाँ पे मुझे कहीं प्लेन्स मिलेगा, प्लेन्स में ही मेरे को चाहिए क्योंकि वहाँ पे मैं अच्छे फार्म बना सकता हूँ, और कहीं तो मुझे ना मिलेगा नहीं। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ। ओके, तो फाइनली मैं कहीं मतलब ये प्लेन्स वाले बायो में आ चुका हूँ। यहाँ पे लावा का पूरा झरना है, लेकिन वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ नहीं, वो खाली टाइम वेस्ट करेगा। तो मैं प्लेन्स बायो में फाइनली आ चुका हूँ, और इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। मतलब ये सब करते रहने का, इससे फ़ायदा ही अपना ही होता है। तो मेरे को थोड़ा सा ये मिल गया, इसको भी लेते। अरे यार, इसने मुझे लेदर नहीं दिया, लेदर ही चाहिए, और इनका खाने से कोई लेना देना है नहीं मेरे को। ओके फाइनली ये देखते ये देता है यानी। तो अभी मुझे खाली ओके दे दिया बहुत सी, तो इसको उठाते हैं। तो अभी ना मुझे खाली एक विलेज ढूंढना है, और यहाँ पे कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, मेरे को लगा आयरन वाले में मिले तो लेके चलो, फ्री का आयरन कौन छोड़ेगा। ओके तो गाइज, मैं यहाँ पे फाइनली आ चुका, और आपको है ना हैरानी होगी, मुझे एक विलेज मिल चुका। मैं भी हैरान था, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, 700 ब्लॉक के आसपास था, और फाइनली मिल चुका है। और ये प्लेन्स वाला, ये प्लेन्स वाला बेस्ट होता है, यहाँ पे इतना स्पेस होता है कि कुछ भी बना सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ और देखता हूँ। ओके, छोटा मोटा ही लग रहा है मेरे को, चलेगा, बस विलेजर मिल जाए ना, बस मुझे उतना ही चाहिए, और कुछ मेरे को चाहिए नहीं इनसे। यहाँ पे काऊ है ना, तो उसको तो ठिकाने लगा देंगे। और ओके यार, मैं कुछ अजीब जगह पर नहीं आ गया, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा ये केव है कि डंजन है, एक मिनट मुझे देखने दो। ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये पूरी की पूरी गुफा है यार, यहाँ पे तो आदिवासी रहते होंगे। यहाँ से मैं निकल लेता हूँ, मतलब कुछ ज़्यादा ही ज़ॉम्बी होंगे। तो मैं यहाँ पे आ चुका ना, अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे अपना अड्डा बनाते हैं। तो सारा का सारा मैं यहाँ पे सामान रखता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको तो रखना ही पड़ेगा, इनके बिना काम ही नहीं होता। तो उसके बाद मैं क्या करूँ, देख लें, तो इसको भी मैं लगा ही देता हूँ यहाँ पे, तो एक यहाँ पे लग जाएगा बहुत सी। और नाइट हो रहा है ना, तो मैं सो लेता हूँ यहाँ पे। हट जा विलेजर, मेरे को सो लें दे, वरना ज़ॉम्बी आके तेरे को निपटाएंगे। तो यहाँ पे मैं सो, मतलब पहला मेरा नाइट हो रहा है ये विलेज के अंदर। तो यहाँ पे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैंने बेड तोड़ दिया, मेरा रिस्पॉन पॉइंट भी टूट गया, मतलब मैं मरा ना तो डायरेक्ट वहीं पे स्पॉन होऊंगा, बट कोऑर्डिनेट मेरे रिकॉर्ड हो चुके हैं, मैं कभी भी आ जाऊंगा। तो अभी हमारा मेन चीज़ है, और जो सबसे मेन है वो है विलेज के अंदर लूटपाट करना, और यहाँ पे है ना अपना एक घर को कैप्चर कर लेना जिसके अंदर मैं रहूँगा। और दूसरा काम तो बाद में करेंगे, बाकी सब तो अपडेट वपडेट जो भी है सब धीरे धीरे होगा। सबसे पहले मैं ना वो मेन चीज़ें करता हूँ। तो यहाँ पे ओके एक चेस्ट मिल गया बहुत सही, पहले एक काम करता हूँ, बेड को लगाता हूँ यहाँ पे, और रिस्पॉन पॉइंट सेट। ओके भाई, यहाँ पे 4 एमरल्ड है, काफ़ी सी यार, ये विलेजर तो बहुत मालदार है, मुझे लगता है सबसे बड़ा यही होगा। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फूड मिल चुका है, और यहाँ पे एक बेड बनाता हूँ। क्यों, अरे एक मिनट, ये कहाँ से आ गया, मतलब देख सकते हो, मतलब यहाँ पे विलेज में आते आते ये आ गया, मेरा इंतजार कर रहा था मुझे लगता है। तो चलो अभी देखते ये लेके क्या है, और भाई भाग मत मेरे को, यहाँ पे दिखा क्या लाए। तो ये है ना, ओ भाई ये तो जंगल जंगल का भाई ये वो ले आ गया सैपलिंग, मेरे पास सारे सैपलिंग हो गए यार, स्प्रूस के लेके दूसरा जो डार्क ओक वाला होता है ओक, और कितने 5 ही तो होते हैं ना, 5 ही अच्छे, अकेशिया बाकी यार सब नहीं है यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, मतलब जंगल तो हो गया ना, एक काम करते हैं फटाफट से, मैं यहाँ से लास्ट वाला एमरेड ले लेता हूँ और इसे ट्रेड करता हूँ। मुझे एक एक सैपलिंग से कुछ होगा नहीं, पता नहीं उससे कुछ निकलेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा खरीदूंगा। बट अभी एमरेड मेरे पास नहीं है, और जो मेरे को माइन में मिला था ना एमरेड, जिसको मैंने माइन किया था सबसे लकी वाला, उसको मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। भाई क्या कर रहा हूँ मैं भी। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ, क्योंकि ये उगेगा तभी काम आएगा। अभी है ना यहाँ पे मुझे देखना है कि कहीं पे वो फ्लेचलर भाई है क्या, और बेड बेड तो लगाते चलूँ, ताकि ये ना मरे ना, स्पॉन हो जाए दोबारा से, मतलब और भी बेबीज आ जाए यहाँ पे। और मैं काम करता हूँ, मैं अपने छोटे मोटे काम को निपटाता हूँ, अब जाके है ना मैं विलेजर को ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं कहाँ पे। टॉर्च भी बना के थोड़ा बहुत टॉर्च लगा दूँ, क्योंकि आपको पता है यार टॉर्च के बिना, मतलब लाइट के बिना यहाँ पे इतने ज़ॉम्बी की बारात आ जाती है और सारे के सारे मर जाते हैं। और ये क्या कर रहा है, ऊपर से देख रहा है कि मैं किसी विलेजर के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना, ये आयरन गोलम है ना बहुत अच्छे से काम कर रहा है इनका, मतलब ओके देखते पहले ये है क्या। ओके ये मुझे ट्रेड नहीं दे रहा है, मेरे को है ना ये अगर कैरेट देता ना तो मैं इसी को बेच देता। चलो इसको कलेक्ट करते हैं, काम आएगा, अभी पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट वर्क करता है, ये भी नहीं दे रहा है। तो अभी मैं क्या करूँ, देखना, एक काम करता है यार, मैं फ्लेजर बनाने के लिए ग्रेवल निकालता हूँ, यहाँ पे ग्रेवल है ऑलरेडी मेरे पास,
और एक काम करते हैं, नीचे थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ, क्या पता यहाँ पे क्या मिल जाए। तो यहाँ से मैं चलते हैं और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इतना ही मैं लगा देता हूँ, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, एक दो और चलते हैं। तो यहाँ पे ओके एक मिनट, ओ भाई एक मिनट कोबल स्टोन, अरे यार ये तो स्पॉनर हो गया इसका मतलब। एक मिनट यार यहाँ पे देखते किसका स्पॉनर है, स्केलेटन का। भाई ये तो जैकपॉट लग चुका है मेरा, स्केलेटन का यहाँ पे मिल चुका है, अब तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। यहाँ से इतने बोन मिल निकलेंगे ना, मज़ा आ जाएगा और एक्सपी भी मिलेगा। मतलब लक कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं है मेरा, ये विलेजर मतलब ये विलेजर ना बहुत ही ओपी है यार, यहाँ पे सब कुछ है। और ये क्या देखने दो, ये भी डंजन, भाई ये डंजन है क्या पता नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा गुफा है, नीचे पता नहीं कभी जाऊँगा भी या नहीं। और इसको पहले निकल ले यहाँ से, और ये दूसरे शॉट में गया और देखने दो। ओके एक मुझे बोन मिला, उससे काम आ जाएगा, तो उसको बाद में देखते यार, सबसे पहले मैं जो काम करना है तो वो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे फ्लिचलर चाहिए, यहाँ से मैं इन सबको माइन कर लेता, पता नहीं मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं। ओके मिल चुका है बहुत सही, तो यहाँ पे पूरे तीन मिले आई गेस, तो यहाँ से मैं बना भी लेता हूँ। अभी इनको लगाना, एक मिनट यहीं पे लगा देता हूँ, ज़्यादा दूर जाने की मेरे को ज़रूरत नहीं होगा। अभी देखना कि कोई बंदा बन रहा है या नहीं, तो कोई भी बना क्या यहाँ पे, ओके कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, चलो कोई नहीं, मैं ना यहाँ से ये बना लेता हूँ सबसे पहले। और ये तो अच्छा यहाँ पर डबल क्लिक हो, मतलब ऑप्शन आ गया, मैं डबल क्लिक में पूरा स्टैक बना ले रहा हूँ, जो कि सही चीज़ है। ओके चल भाई ट्रेड दे मेरे को, तो एक मिनट ये नोवी से ही है, मेरे को लग रहा था ये फ्लेचलर है, शायद दूसरा होगा, एक मिनट देखने दो। तो ये भी है, एक मिनट ये भी नोवी से, अरे यार यार कहीं पे वो वूल वाला है मेरे ख्याल से, और यहाँ पे ब्रीडिंग हो रही है बहुत सही, करो करो। तब तक है ना मैं इनका वो मतलब जो भी वर्क स्टेशन है उसको तोड़ता हूँ, पता नहीं कहाँ पर होगा, यहाँ पर तो नहीं है। ओके मिल चुका है, इसके वजह से ना वो कुछ और बन गए थे, मैं तो वो नहीं बनने दे सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अभी ना देखते इससे ट्रेड करते बन चुका, अरे यार ये आयरन गोलम बीच में क्यों वाला हिट लग जाएगा इसको, तो यहाँ पे ये दे रहा है बहुत से। यार तू तो भाई ओपी है, यहाँ से मेरे को कितने 16 तो मिल ही जाएंगे, तो 8 मिल चुके हैं, 10, 12, 14 और ये 16। चलो अभी मैं तीन और खरीद सकता हूँ सैपलिंग, चलो भाई किधर है वो मेरे को ढूंढने दो, थैंक यू भाई तेरे लिए मतलब देने के लिए। ओके ये रहा फाइनली, इसको मैं अभी यहाँ पर ट्रेड करता हूँ, कहाँ भाग रहा है यार, जैसे इसको पता चल गया मैं ट्रेड करने वाला भाग रहा है ना, खरीद दिखाता है। तो यहाँ से मैं तीन खरीद लेता हूँ, और ये एक है ना पम्पकिन देख लेता हूँ सीड, तो यहाँ से एक पम्पकिन सीड खरीद, एक मीठा पम्पकिन नहीं है बीट रूट यार मेरे को पोपट हो गया, चलो कोई नहीं इसको भी देख लेंगे बाद में, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। तो यहाँ पे दो मारते हैं, और अगर आपको पता नहीं कि ये बोनविल कहाँ से आया, तो मैंने स्केलेटन को मारा था वही है, अगर आपने पार्ट स्किप किया होगा तो आपको पता नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने ये इसके भी पेड़ को काट लिया, अभी यहाँ से सैपलिंग मिलेगी ना तो काम आएगा। एक बेड भी बना ही लिया मैंने, क्योंकि बेड बना रहा हूँ टाइम टाइम पर, और सो भी गया मैं, मतलब कुछ ज़्यादा जल्दी काम नहीं करो, एकदम प्रो हो चुका यार मैं तो इसमें तो। अरे यार मेरा टूट भी गया यहाँ पे, निकल यहाँ से चल, एक और शॉट में ख़त्म। लेदर मिल रहा है बहुत सही यार, मैं तो इनको लीड के लिए मार रहा था, बट ये लेदर दे रहा है मेरे को, ठीक है चलो। और ये बंदे ने नहीं दिया, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत पेड़ पौधे के लिए ना मतलब जगह बना ली, अभी मैं यहाँ पे इनको लगा देता हूँ, मतलब इनको लाऊं तो लगाऊंगा ना, तभी तो यहाँ से लकड़ियाँ मिलेगा। इस बार मैं बहुत तगड़े तगड़े बिल्ड करूँगा, इसलिए पहले से ध्यान दे रहा हूँ। और ये लास्ट यहाँ पे लग गया, और थोड़े से ना मैं ब्लॉक हटा देता हूँ ताकि उग जाए आसानी से। तो यहाँ पे मेरा मेन चीज़ तो हो गया, बाकी सारे के सारे पेड़ पौधे मैंने लगा दिए, मतलब सैपलिंग इसके ऊपर एक मारता हूँ और कुछ नहीं है, चलो कोई नहीं। अभी मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ एक्सप्लोर करने, अरे यार आती यहाँ पर क्या दिख गया ये कुछ मैं अंदर के अंदर क्या है यार, ये पूरा का पूरा फॉग क्या कर रहा है वो, मुझे कुछ बहुत ही बड़ा जगह लग रहा है जहाँ पे मैं जाऊँगा कभी फ्यूचर में, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। और अरे यार भाग कहाँ रहा है, अरे यार कितना डॉच कर रहा है यार, ये पार्कौर खेल रहा है मेरे साथ, चलो कोई नहीं। अभी है ना मेरे को यहाँ पे समंदर और पम्पकिन दिख रहा है वहाँ पे, तीनों कभी और जाऊँगा, यहाँ पे मेरा जाने का इरादा नहीं है। मैं आया था शुगर कैन के लिए ताकि मैं उसका कुछ इन्वेस्ट कर सकूँ, बट कुछ नहीं। और हाँ ये फ्लावर बायोम है ना जहाँ पे मैं आया हूँ, बहुत ही तगड़ा है, देख सकते हो पूरा का पूरा लुक बदल दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। फ्लावर बायोम मेरा है ना फेवरेट बायोम में से एक है, और यहाँ पे इसको मैं निपटाते चलो। मैं घर पे आ तो चुका हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, क्योंकि मेन चीज़ तो हो गया, हमको यहाँ पे एक स्केलेटन का स्पॉनर मिला जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ थी यार, मज़ा आ गया। उसका फार्म बहुत जल्दी बनेगा, और ये मेरे को मारने तो नहीं आ रहा ना भाई, मारना नहीं, ओके चलो नहीं आ रहा बहुत सी। तो गाइस आपको बोलोगे ना मुझे कमेंट बताना कि आपको ना ये वीडियो कैसा लगा, भाई मैंने बहुत मेहनत की इसके लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप है ना मेरे फेसबुक पे ना फॉलो कर लेना, पेज का लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे भी माइनक्राफ्ट के वीडियोस आते हैं, तो फॉलो ज़रूर कर लेना। तो अभी मैं यहाँ से चलता हूँ सोने के लिए।